दोस्तों आप हमेशा ऐसा बैनर या पोस्टर देखते होंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको कह दिया जाए कि आप ऐसा बैनर बनवाइए तो आपके 500 या 600 रुपये लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से ही खुद अपना बैनर ऐसा बना सकते हैं, वो भी अट्रैक्टिव बैनर। आपको लगेगा कि नहीं कि आप मोबाइल से बनाए हैं या कंप्यूटर से बनवाए हैं। तो दोस्तों आप मोबाइल से ही, एंड्रॉयड मोबाइल से आप अपना बैनर बना सकेंगे, वो भी फ्री में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके पैसा भी एक नहीं लगेगा और अपने आप ही आप अपना बैनर बना सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कैसे मैं बनाया हूं। यहां पर देखिए दोस्तों जितना भी पिक यहां पर आपको दिख रहा है सब मैंने यहां पर एडिट किया है, कोई भी फेक यहां पर आपको नहीं दिखेगा। जैसे कि मैं अपना फोटो लगाया हूं, नीचे यहां पर माननीय वरुण जी लिखा हूं, उत्तर प्रदेश प्रत्याशी। यहां पर दोस्तों जितना भी यहां पर दिख रहा है आपको सब मैंने किया है। पीछे बैकग्राउंड भी जो किया है मैं पूरा यहाँ पर लगाया हुआ हूँ, और आपको बताऊँगा कहाँ से आपको ऐसा बैकग्राउंड मिल सकता है, आपकी फ़ोटो ये जब जो ऊपर लगाया हूँ कहाँ से सब मिल सकती है, मतलब कि पूरा इस टाइप फ़ोटो कहाँ से मिल सकती है, आपको इस वीडियो में आपको पूरी कम्प्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर से पिक्सल लैब ऐप को इंस्टॉल करना होगा। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा उस ऐप के बारे में, जिस ऐप से मैं बनाया हुआ हूँ। आप जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको प्ले स्टोर में लेकर जाएगा और उस ऐप तक पहुँचा देगा, वहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे इंस्टॉल करेंगे आपको पिक्सल लैब ऐप में क्लिक करना है, आप वहाँ पर आ जाएंगे। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कैसे इंटरफेस पहले रहेगा। तो जैसा कि आप पिक्सल लैब ऐप में आप क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा कि आप अभी देख भी रहे होंगे अगर आप क्लिक किए होंगे तो। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको ये सब डिलीट कर देना है। जैसा कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट मतलब कि न्यू टेस्ट लिखा है, यहाँ पर इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाकर नीचे आप देख रहे हैं राउंडिंग वाला, यहाँ पर इसको यहाँ एरर करना है। उसके बाद दो यहाँ पर दो स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिख रहा है, कलर के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे गार्डियन एक कलर है, यहाँ पर दोस्तों प्लस के आइकन पर क्लिक करके और भी कलर आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों एक कलर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आप अपने कलर को चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगे यहाँ से भी आप ले सकते हैं। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको कलर मिल जाएगा। के लिए दोस्तों आपको जो बैकग्राउंड यहाँ पर दिख रहा है ये वाला बैकग्राउंड, यही बैकग्राउंड मैं वहाँ पर यूज किया हूँ। इस बैकग्राउंड का नाम दोस्तों आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसके इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करना नहीं बताऊँगा क्योंकि दोस्तों इसमें इलीगल है इसको बताना। इसमें दोस्तों आपको क्या लिखना है, चुनाव प्रचार के लिए जो चुनाव बैकग्राउंड, मतलब कि आप क्या लिखेंगे वहाँ पर, चुनाव पोस्टर बैकग्राउंड यही लिखेंगे। दोस्तों आपको बहुत सारे बैकग्राउंड दिखेंगे चुनाव के ऊपर जो बैकग्राउंड यूज होते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, जो भी अच्छा लगे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इन सब जो फ़ोटो भी आपको डाउनलोड करना है वहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, जिनकी भी फ़ोटो आपको डाउनलोड करना है मतलब PNG के रूप में, आप उनका नाम लिखिए आगे PNG डाल दीजिए। जैसे कि मेरी भी फ़ोटो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वरुण PNG, मतलब कि जैसे किसी का भी आप यहाँ से किसी का भी आप PNG अगर लेना चाहते हैं तो उनका नाम लिखिए गूगल पर और उनके बगल में PNG लिख दीजिए, तो आप इन सब की फ़ोटो भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये वाले फिर BJP PNG, मतलब यहाँ पर जो भी आपको लेना हो PNG ले सकते हैं, जितने भी फ़ोटो आपको दिख रही है। यहाँ तक पहुँच गए हैं दोस्तों, अब चलते हैं पिक्सल लैब में आपको कैसे एडिट करना है यहाँ पर सिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आपको बताया था स्क्वायर वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर दोस्तों एक आपको एक गैलरी वाला ऑप्शन मिलेगा, जो इसमें आप गैलरी से जो भी फ़ोटो आप डाउनलोड किए होंगे वहाँ से इसमें इसको आप लगा सकेंगे। यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर जैसे क्लिक करेंगे आपको गैलरी पर लेकर चला जाएगा, इसमें से आपको दोस्तों जो भी आप डाउनलोड किए हों यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि वाली इमेज हमको लगाना है बैकग्राउंड में, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर चूज ये वाला कर लेना है, नहीं तो आप अगर ये वाला कर रहेंगे तो आपका दोस्तों ये मतलब कि ख़राब हो जाएगा, आपको स्क्वायर वाला 1:1 वाला करा है, यहाँ पर ऐसा सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको नीचे लेकर चले जाना है, नीचे लेकर जैसे आएंगे दोस्तों यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपको दोस्तों ऐसे बैकग्राउंड यहाँ पर सेट हो गया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फ़ोटो लगाना है, मतलब कि दोस्तों एक लाइन से आपको फ़ोटो लगाना है, जैसा कि आपको PNG के रूप में लगाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे इमेज दिखेंगे जो आप डाउनलोड किए हैं, यहाँ पर ऊपर एक प्लस का आइकन दिखेगा जिससे आप इमेज को लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आप तरह तरह की इमेज जो डाउनलोड किए हैं वहाँ पर सेट कर सकते हैं। इस पर जैसे ही आपको लगाना है, इसको आपको लगाना है, तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला इमेज यहाँ पर आ गया है। इसको अगर आप दोस्तों इस तरह पलटना चाहते हैं इनके फेस को, तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देता है
जिसमें आप इस फेस को इस तरफ पलट सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब इस तरफ हो जाए तो यहाँ पर इस क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपका फेस लग चुका है। उसके बाद इस फोटो को छोटी कर लीजिए और यहाँ पर दोस्तों इस साइड वाले कुछ फ़ोटो यहाँ पर बड़ी हो सकती है जैसे कि आप जानते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके बगल में एक फ़ोटो और लगानी है जो आप तरह तरह के इमेज को आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों फ्रॉम गैलरी पर फिर से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये वाली PNG जो भी लगाना हो आपको ये लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये वाली PNG लगाना है तो यहाँ पर दोस्तों इनके फ़ोटो कटिंग करनी होगी तो दोस्तों आपको इरेजर से कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है जिसमें से फ़ोटो आप कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप दूसरी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आपको ये वाला इमेज सेव करना है, लगाना है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा यहाँ पर एडिट कर लेते हैं, मतलब कि इसको रोटेट में अलग कर लेते हैं, छाट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बैकग्राउंड यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद इसको बैकग्राउंड को हटाने के लिए यहाँ पर बीच में जैसे क्लिक करेंगे आपको दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा जो कि इरेज का ऑप्शन होगा, यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन होगा। यहाँ पर जैसे इरेज कलर पर क्लिक करेंगे आपका इरेजिंग हो जाएगा और यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा हल्का छोटा करके यहाँ पर सेट कर देना है, मतलब कि जैसे सेट करेंगे आपको इस तरह सेट होता दिखेगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ये सेट हो चुका है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाना है कि यहाँ पर नीचे इसमें इफेक्टेड रहे कुछ, तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा इफेक्ट करने का, जो भी आप साइडों पर क्लिक करके इफेक्टेड यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि दिखता नहीं है कि मतलब कि कलर लगता है कि आदमी ही वहाँ पर ब्लर टाइप रहता है। यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसा करेंगे तो आपको अट्रैक्टिव लगेगा, यहाँ पर देखने में कुछ अट्रैक्टिव लगेगा, दिखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर दोस्तों ये सब करना आपके लिए अच्छा लगेगा, तो इस तरह करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ अच्छा लगेगा जैसे कि पोस्टर बना हुआ है ऐसा लगेगा। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेना है, मैं कुछ अपने तरह से सेट करूँगा, आप कुछ अपने तरह से सेट करेंगे, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें और भी फ़ोटो भी सेट कर लेना है। ऊपर एक फ़ोटो और रहती है जो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको एक फ़ोटो देखने को मिलती है यहाँ पर, ये वाली फ़ोटो। यहाँ पर दोस्तों ये वाली फ़ोटो लगाना है, नहीं तो आप दोस्तों वाली फ़ोटो यहाँ पर सेट करके लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही दोस्तों ये वाली फ़ोटो यहाँ पर सेट करेंगे बैकग्राउंड को हटाने के लिए, यहाँ पर बैकग्राउंड फिर से यहाँ पर इरेज कलर पर क्लिक करके बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको ये वाली फ़ोटो लग चुकी है, इसका नाम स्वच्छ भारत है। आप जाकर वहाँ पर स्वच्छ भारत की इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी इमेज आपको दिखेंगी। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको पिक लगाकर दिखाता हूँ, जो जो भी पिक मैं लगाने जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी पिक मैं लगाऊँगा। देखिए दोस्तों मैं फ़ोटो लगा चुका हूँ सबकी। उसके बाद दोस्तों मैं क्या क्या ऐड करूँगा यहाँ पर आपको दिखाऊँगा, जैसे कि आप पहले ही फ़ोटो में देखे थे क्या क्या मैं ऐड किया था, तो यहाँ पर दोस्तों एक एक चीज़ ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लिख कर दिखाऊँगा एक अब की बार भाजपा सरकार यहाँ पर जो होता है, अब की बार फिर भाजपा सरकार यहाँ पर लिखना होता है नीचे, जैसा कि आप पोस्टर में देखे होंगे। यहाँ पर दोस्तों प्लस के आइकन पर क्लिक करके टेस्ट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों एक पेंसिल का आइकन मिलेगा जहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको दोस्तों एडिट कर लेना है। अब की बार फिर भाजपा सरकार हिंदी फॉन्ट में जाकर अब की बार फिर यहाँ पर इसको लिख लेना है, अब की बार फिर यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों इसको डन के आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर लिख उठेगा। देखिए दोस्तों आपको इस तरह लिख लेना है, उसके जैसे लगेगा अट्रैक्टिव बहुत लगता है, मतलब कि ये फंक्शन सब में होता है, सब पोस्टर में होता है, तो आपको भी इस तरह लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे आगे एडिट होते हैं, यहाँ पर दोस्तों जैसे कि अपनी फ़ोटो लगाना हो तो यहाँ पर किनारे साइड में अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, नहीं तो आपको किसी की और फ़ोटो लगाना हो तो यहाँ पर किनारे साइड में लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सी फ़ोटो लगाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे आपको फ्रॉम गैलरी पर जाना है। उसके बाद दोस्तों जो भी अपनी फ़ोटो को लगाना है यहाँ पर दोस्तों ऐड कर सकते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा एक फ़ोटो ऐड करके, यहाँ पर दोस्तों मैं गैलरी में रखा हुआ हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ इरेज किया हूँ। इरेज वाली आपको फ़ोटो लगाएं तो बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर दोस्तों ये वाली फ़ोटो अब लगाने जा रहा हूँ, इसको दोस्तों थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसको यहीं फ़ोटो लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह लगाएंगे, उसी प्रकार यहाँ पर लगा के आपको दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ आपको लिख कर दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों लगाने के बाद आप कुछ शैडो वेडो कर सकते हैं अपने फ़ोटो में। यहाँ पर शैडो करने के लिए दोस्तों आप जैसे फ़ोटो क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन फिर मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है कलर फिल्टर का। कलर फिल्टर पर जाकर दोस्तों आप अपने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं फ़ोटो में, अगर आपकी फ़ोटो थोड़ी मतलब कि ब्लैक है तो यहाँ पर वाइट भी कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। शैडो लगाने हुआ दोस्तों यहाँ पर 3D शैडो एनिमेशन, बहुत सारे एनिमेशन मिलते हैं जो आपको अपनी तरह से सेट कर लेना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नाम लिखना होता है, मतलब कि जो भी आपका नाम हो, माननी वरुण पांडे, माननी तरुण पांडे, या बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो आपका नाम हो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पर हमारा फ़ोटो लगा है तो माननी वरुण पांडे यहाँ पर मैं लिख कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं अपना नाम लिख लिया हूँ। यहाँ पर दोस्तों अपने यहाँ पर फिल्टर कर लेना है, अपने नाम को कुछ शैडो दे देना है। जैसे कि मैं बताया यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे शैडो वगैरह के। यहाँ पर फोटो यहाँ टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे शैडो मिल जाते हैं, तो अपने तरह से ऐड कर लेना जिस प्रकार आपको अच्छा लगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको लिखना होगा मतलब कि उत्तर प्रदेश प्रत्याशी, यहाँ पर नीचे आपको लिखना होगा। नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर प्रदेश प्रत्याशी, जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर बगल में आपको देखना है कीमती वोट देकर विजयी बनाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है। आप अपने तरह से लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं अपना कीमती वोट देकर बीजेपी को विजयी बनाए। यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसा फॉन्ट लिखना है। यहाँ पर दोस्तों जो यह बीच में दूसरा कलर है, यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर दूसरा मैं टेस्ट लिखा हूँ, ये आपको अलग टेस्ट दिखेगा, ये आपको अलग टेस्ट दिखेगा, और ये वाला आपको अलग टेस्ट दिखेगा। मतलब तीन बार लिखा हूँ इसमें। मैं इसलिए वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इतना समझ सकते हैं। दोस्तों तीन बार आपको लिखना है, तीन बार यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके टेस्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे तो आपको दोस्तों पहले अपना कीमती वोट देकर ऐसा लिखना है, फिर नीचे एक स्टेप में बीजेपी अकेले लिखना है, उसके बाद तीसरे स्टेप में को विजयी बनाए। यहाँ पर तीन स्टेप में लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि हिल जाता है, मतलब कि यहाँ पर हिल जाता है, तो यहां पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहां पर इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहां पर आप इसको लॉक कर सकते हैं। जैसे लॉक कर देंगे दोस्तों आपका जो भी, जैसे कि बीजेपी लॉक कर दिया है, तो यहां पर बीजेपी आप यहां पर टच करेंगे कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों जो भी आपको यहां पर लॉक करना हो, मतलब कि कुछ ही लेना, जैसे कि आपको फोटो भी लॉक करना हो, तो यहां पर फोटो करके आप लॉक कर देंगे तो फोटो में इधर उधर नहीं होगा, आप फोटो में चाहे जो भी एडिट करेंगे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसके बाद यहाँ पर कुछ कमल का फोटो लगता है, जैसे कि आप पोस्टर में देखे होंगे, तो यहाँ पर कमल के फ़ोटो को वो ऐड कर लेना है। कमल का फ़ोटो ऐड करने के लिए दोस्तों आपको जैसे कि उसको कहीं से डाउनलोड करना हो या लेना हो, तो आपको दोस्तों बीजेपी पीएनजी डालेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पीएनजी मतलब कि बीजेपी पीएनजी डाउनलोड करना है, या चाहे जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या किसी से ले भी सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको लगा कर मैं दिखाता हूँ उसको भी। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं इसको भी सेट कर चुका हूँ, बीजेपी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अच्छी तरह से दिखने लगा है। आप इसी तरह पूरा कम्प्लीटली बना सकते हैं, मतलब बहुत ही ईजी है दोस्तों, आपको सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या दोस्तों, थोड़ा अपने तरह से इसको सुधारना होगा, अच्छी तरह से बनाना होगा, तो कोई नहीं बता सकता कि आप फ़ोन से बनाएं या कंप्यूटर से। तो दोस्तों आप इसको यहाँ से सेव करने का ऑप्शन दिया गया है, इसको आप यहाँ पर सेव एज इमेज पर सेव कर सकते हैं, जो कि आपका हो चुका है। यहाँ पर सेव गैलरी कर सकते हैं, नहीं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आपके गैलरी में पहुँच चुकेगा। यहाँ पर दोस्तों दोबारा भी एडिट करना हो तो यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एज प्रोजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर दोबारा अगर कुछ भी यहाँ पर नाम बदलना हो या किसी और की फ़ोटो लगाना हो, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट पर कर देंगे, कभी भी आएंगे तो आप प्रोजेक्ट में ढूंढेंगे तो आपका ऐसे बना रहेगा, आप उसमें दोबारा भी एडिट कर सकते हैं। तो यही बताना दोस्तों, धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब को बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दिन में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।